हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानीज कॉर्नर हिंदी। आज लेके आई हूँ मैं, जैसे कि आप देख सकते हो, मटका कुल्फ़ी है और कुल्फ़ी मोल्ड में हमने कुल्फ़ी बनाई है। ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही यमी है। एकदम बाजार के स्टाइल में हमने बनाया है और बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स भी नहीं चाहिए। जो हमारे घर पर उन्हीं सारे सामानों से हमने ये कुल्फ़ी बनाई है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस सब्सक्रिप्शन के पास जो बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। देख सकते हैं कितना टेस्टी, कितना टेम्पटेटिंग कुल्फी है। ये भी मैंने एकदम घर पे बनाया है और एकदम बाजार जैसा टेस्ट है। तो चलिए हम इस कुल्फी को बनाते हैं। तो सबसे पहले पतीले में मैंने क्या किया है, 2 कप दूध लिया है। इस 2 कप दूध में हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, अराउंड 1 से 2 चम्मच। गैस को ऑन नहीं किया है यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे हमने दूध डालने के बाद इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला है और साथ में चीनी डाली है। इन सारे मिक्सचर को जब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, तब हम अपने गैस को ऑन करेंगे। तो ये रहा कस्टर्ड पाउडर और ये चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। यहाँ पे मैंने 4 से 5 टेबलस्पून चीनी डाली है। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो कुल्फ़ी बन रही है ना, ये बहुत ही टेस्टी है। आप चाहो तो इसको दिवाली पे बना के खा सकते हो। एक डिफरेंट आपका डेजर्ट हो जाएगा। अभी हम गैस को ऑन कर देंगे और इस दूध को अच्छे से बॉयल होने देंगे थोड़ी देर तक, अराउंड 1 से 1.5 मिनट तक, ताकि ये थिकन हो जाए। इसमें हमने इलायची पाउडर डाला है, 3 से 4 इलायची को हमने अच्छे से क्रश कर लिया है और वो डाला है। कुल्फ़ी में इलायची का फ्लेवर जो होता है वो डोमिनेंट होता है, तो आप यहाँ पे इलायची ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे, उनको अच्छे से मिक्सर में क्रश कर लिया और उन ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पे डाल दिया। वो मिक्स ड्राई फ्रूट्स थे। थोड़े से मैंने यहाँ पे किशमिश और काजू डाले हैं, उनको ऐसे ही साबुत डाला है और इनको डालकर हम अच्छे से थोड़े देर पकाएंगे, 3 से 4 मिनट तक। तब तक कस्टर्ड का जो दूध के जो कस्टर्ड को गाढ़ा कर देता है वो गाढ़ा कर देगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा खोया लिया है मैंने, 3 से 4 चम्मच। ये मैंने आधे किलो दूध को अलग से गाढ़ा करके घर पे ही बनाया था। आप चाहो तो बाज़ार का खोया ले सकते हैं। अगर आपके पास खोया नहीं है तो यहाँ पे 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर आप डाल सकते हैं। इनको मिक्स करके हम अच्छे से पकाएंगे 3 से 4 मिनट, ताकि हमारा ये जो दूध है वो अच्छा सा थिक हो जाए। जब आपको लगे कि आपका दूध अच्छा सा थिक हो गया है और इसकी क्वांटिटी अराउंड 1/3 कम हो गई है, तब हम गैस को बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा पकाने से ऐसा नहीं होता कि बहुत गाढ़ा हो जाएगा। जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाए तब हम ब्लेंडर लेंगे। आप चाहो तो मिक्सर में, अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप मिक्सचर में भी मिक्सी में भी डाल सकते हो, और मिक्सी में डालकर इसको 3 से 4 मिनट तक हम चलाएंगे। इतना चलाएंगे कि इसके अंदर अच्छा सा पफ़ी सा फोम हो जाए और इसकी क्वांटिटी आपको लगे कि थोड़ी बढ़ गई है। जब आपको लगे कि ये अच्छे से मिक्स हो गया है 3 से 4 मिनट, या आप उससे थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो। फिर हमने यहाँ पे मटकी ली है, ये मिट्टी की मटकियाँ हैं जिनको धो के मैंने साफ़ कर लिया था। उन मटकियों में हम ये मिक्सचर को फिल कर देंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ कुल्फ़ी मोल्ड भी लिए थे, उसमें भी हमने डाल दिया है। तो ये हम अच्छे से डाल के अच्छे से इसको बंद कर देंगे, सील कर देंगे। जो मटकी में हमने कुल्फ़ी डाली है, कुल्फ़ी का मिक्सचर डाला है, उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से हम गार्निश कर देंगे। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से कर लो। यहाँ पे मैंने काजू और आलमंड्स को बारीक कट करके डाला है। उसके बाद इसको सील कर लेंगे। आप सील करने के लिए या तो ये प्लास्टिक यूज़ कर सकते हो या अल्मूनियम फॉयल, जो आपके पास है उनको डालकर आप अच्छे से सील कर दो, रबर बैंड लगा दो। और इसको हम फ्रीज कर देंगे, अराउंड 6 से 8 घंटे तो मिनिमम चाहिए। आप चाहो तो इसको ओवरनाइट फ्रीज़ कर दो। और इसके बाद हम इसको जब फ्रीज़र से निकालेंगे तो हमारा मस्त सा, बहुत ही टेस्टी सा, टेम्पटेटिंग सा आपका कुल्फ़ी बनके तैयार हो जाएगा। ये मैंने अराउंड ओवरनाइट फ्रीज़ किया है और उसके बाद इसको निकाला है। मोल्ड से निकालने के लिए आप इसको ठंडे पानी में आपको डालना पड़ेगा, ताकि ये मोल्ड से निकल जाए आसानी से, चारों तरफ से ये छोड़ दे मोल्ड को। इसलिए आपको इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर के पानी पे इसको थोड़े देर के लिए रखना होगा। देख सकते हैं ये कितनी आसानी से निकल जा रहा है और बहुत ही टेम्पटेटिंग, जैसा आपका बाज़ार का कुल्फ़ी होता है सेम उसी